कैसे? जैसे तुम यहाँ। मतलब? अरे गेट क्रैश नहीं करके आया हूँ, इनवाइटेड हो। ओह गुड, एंजॉय द इवनिंग। भाई मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। सॉरी ना यार इलाही। प्लीज हम किसी के संगीत में आए हैं और कोई तमाशा मत करो प्लीज। इलाही आज मैं सर पे कफन बांध के आया हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं इलाही को मना के ही रहूंगा। इसकी हालत तो देखो, इस हालत में इसको मैं कहाँ लेके जाऊंगा। देखिए बलजीत, अगर अब आप लोग नहीं गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये घर बिजनेस ही परिवार की इज्जत सब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन भाभी अगर मैं ऐसे चला गया तो अपनी बेगुनाही कैसे साबित कर पाऊंगा? रब्दी सोप, मैंने कोई घपला नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। मैं जानती हूँ बलजीत, मैं जानती हूँ, लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, बात बहुत आगे बढ़ गई है। अगर आप लोग नहीं गए तो फिर पुलिस आके बाबूजी को ले जाएगी और फिर सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। भाभी जी हम जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? आप सबके बिना, अपने परिवार के बिना कैसे? बलजीत ये तुम दोनों की कनाडा की टिकट और कुछ पैसे हैं, बात को समझ बलजीत। इस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, और फिर कौन सा तुम दोनों हमेशा के लिए जा रहे हो? बात ठंडी होती मैं तुम्हें खुद लेने आऊंगा। मेरे भाई है तो जी, आपको सच में लगता है मैं ऐसा घपला कर सकता हूं? देख बलजीत, ऐसे में बहुत ताकत होती है, इसके सामने अच्छे अच्छे कमजोर पड़ जाते हैं। ये बोलकर आपने मेरा दिल ही नहीं, मेरा विश्वास, मेरा आत्मसम्मान, मेरा हौसला सब तोड़ दिया। चल डॉले। वीजी, प्लीज, प्लीज, मैं जो कर रहा हूँ तुम दोनों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। तो फिर इतने दिन से किसी और के साथ क्या कर रहा था? मैं किसके साथ था, किसके साथ नहीं था, इस बात की एक्सप्लेनेशन मैं तुझे देना जरूरी नहीं समझता। और ये मेरे और इलाही के बीच की बात है, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आए। और इलाही यहीं पे है, मैं जब तक इलाही को मना नहीं लेता मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा, और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। क्या करेगा? फिलहाल तो वो तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती मिस्टर कनाडा। आज इलाही मेरी शक्ल भी देखेगी और मुझे माफ भी करेगी। यार मैं तो भूल ही गया कि मिस्टर कनाडा अपने साथ गिटार लेके आया। तो मतलब तू गाना तो गाएगा आज? तो क्या है, मोटी बख्शीश मिलेगी ना यहाँ पे। मैं कैसे भूल गया यार? तू एक चीज और भूल गया, प्यार को मनाना मतलब रब को मनाना, और रब को मनाने के लिए पेमेंट की नहीं शिद्दत की जरूरत होती है।